दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों अगर आप सऊदी प्रोफेशनल वेरिफिकेशन टेस्ट देने जा रहे हैं तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आज आपको एग्जामिनेशन से रिलेटेड 3 टिप्स बताने वाला हूँ। अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपका नंबर जो है कुछ बढ़ के आ सकता है। तो दोस्तों वो 3 टिप्स क्या क्या है इसे जानने के लिए आज का वीडियो आप बिना स्किप किए पूरा देखिए। ओके तो चलिए आप देरी नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज और आपका अपना चैनल राज टेक्निकल इन्फो में बहुत बहुत स्वागत है। जो दोस्त पहली बार आए हमारे चैनल पे तो उनसे रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए रेड कलर बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, उसका नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी आप लोगों के लिए इस तरह से इंपॉर्टेंट यूजफुल टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ और अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों अगर आप प्रोफेशनल वेरिफिकेशन टेस्ट देने जा रहे हैं तो आप हमेशा 3 चीज़ का ख्याल रखिएगा, जिसे जान लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका नंबर जो है बढ़ सकता है। तो 3 टिप्स क्या क्या दोस्तों, मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। तो पहला टिप था दोस्तों आप लोगों के लिए कि आप जब भी एग्ज़ाम देने के लिए जाइए तो आप पूरा तरीका से प्रिपेयर होकर जाइए, मतलब कि आपका जो भी प्रोफेशनल है, आपका जो भी काम है उससे रिलेटेड आपका सेफ्टी इक्विपमेंट आपके साथ में होना चाहिए, आप उसे पहन के रखिए। मतलब कि सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी जैकेट, सेफ्टी शू, सेफ्टी गॉगल, ये जो ज़रूरी इक्विपमेंट है दोस्तों आपके साथ में होना चाहिए, आप इसे पहन के रखिए। क्योंकि दोस्तों जब आप टेस्ट देने जाते हैं तो वहाँ का जो एग्जामिनर है वो देखता है कि बंदा जो है कितना प्रिपेयर होकर एग्जाम के लिए आया। तो अगर आप पूरा तरीके से तैयार होकर जाते हैं दोस्तों, पूरा सेफ्टी के साथ में जाते हैं, तो वो आपको नोटिस करेगा और इंशाल्लाह इससे आपको कुछ बेनिफिट मिल सकता है। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं टिप्स नंबर 2। जब आपको थ्योरी टेस्ट के लिए आपको कंप्यूटर सामने जब बैठाया जाएगा, आप बिल्कुल भी नर्वस मत होइए दोस्तों, अपना माइंड जो एकदम शांत रखिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको जिस लैंग्वेज में भी आपको एग्जाम देना है आप अपना एग्जामिनर को बोल सकते हैं, आपको लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको जो कंप्यूटर पे क्वेश्चन आंसर सेट कर देगा। ओके दोस्तों, दोस्तों आपको थ्योरी टेस्ट के लिए 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा, ठीक है। आपको 15 से 20 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें आपको एक क्वेश्चन रहेगा, साथ में 4 आंसर रहेगा, ठीक है। आपको जो भी आंसर सही लगता है आपको सिर्फ उसमें टिकॉट करना है। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो आप इतना से क्वेश्चन पर पढ़िए कि क्वेश्चन आपसे क्या किया जा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके सामने एक क्वेश्चन रहेगा, प्लायर का इस्तेमाल किस लिए नहीं करना चाहिए, जैसे पहले मान लीजिए काटना, दूसरा हो गया छिलना, तीसरा हो गया मोड़ना और चौथा हो गया ठोकना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ठोकना, ठीक है। क्यों, देखिए दोस्तों आप क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, इसमें बोला जा रहा है कि प्लायर का इस्तेमाल किस लिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मतलब कि जो हम लोग प्लायर से ठोकते हैं वो चीज़ हम लोगों को नहीं करना चाहिए। अगर आप जल्दबाजी में क्या करिए दोस्तों, आप पढ़ लीजिएगा कि प्लायर का इस्तेमाल किस लिए करना चाहिए, ऑब्वियसली इसका काम जो है दोस्तों छिलना हो गया या काटना हो गया या मोड़ना हो गया, इस तरह काम के लिए प्लायर का यूज़ करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ लिए, क्या बोला जा रहा है आपसे, आप उसी के अकॉर्डिंग आप उसको आंसर दीजिए। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं टिप्स नंबर 3 का। तो 3 नंबर टिप्स दोस्तों आप लोगों के लिए ये है कि जब आपका थ्योरी एग्जाम खत्म हो जाता है फिर आपको प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए ले जाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए जाइएगा तो आपको जो भी काम मिलेगा, आपको जो भी टास्क मिलेगा, तो उस टास्क को, उस काम को करने से पहले उस काम से रिलेटेड जितना भी सेफ्टी इक्विपमेंट आपको चाहिए आप उस तरफ उस इक्विपमेंट को आप पूरा पहन लीजिए, ठीक है। सेफ्टी हेलमेट, जैकेट, शू, गॉगल्स, ये आप पूरा पहन लीजिए। अगर मान लीजिए इनके साथ आपके पास में कुछ नहीं है, कुछ मिसिंग है, आप कुछ लाना भूल गए हैं, तो आप अपना एग्जामिनर को बोल के उस चीज़ को मंगा सकते हैं और पहन सकते हैं। अब ये चीज़ दोस्तों ज़रूर से करिए, क्योंकि आपका एग्जामिनर जो है आपको इस चीज़ को नोटिस करता है कि आप जो काम करने जा रहे हैं आप क्या सेफ्टी इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं। ओके तो दोस्तों अभी आपने सेफ्टी इक्विपमेंट पूरा पहन लिया, अब आपको टास्क करना है या वो जो काम आपको दिया गया वो काम करना है, तो उस काम को दोस्तों पहले ध्यान से देखिए कि वो काम क्या है, ठीक है। उस काम को पहले ध्यान से देखिए, समझिए, उसके बाद उस काम को करना शुरू करिए, ठीक है दोस्तों। ऐसा नहीं कि आपको बोले ये काम करने के लिए आप गया फटाफट सेफ्टी वगैरह कोई यूज़ नहीं किए आप सीधा वो काम में लग गए, तो ऐसा मत करिएगा, ठीक है। आप इस मान से काम करिए। आपको प्रैक्टिकल के लिए 1.5 घंटा टाइम मिलता है, 90 मिनट्स का टाइम आपको मिलता है, आप आराम से 90 मिनट्स के अंदर में आप आराम से अपना प्रैक्टिकल एग्जाम दे सकते हैं। तो दोस्तों मैंने जो आपको 3 टिप्स बताया है इसे हमेशा ध्यान में रखिएगा, इसे फॉलो करिए, इंशाल्लाह नंबर ठीक ठाक आएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करना है या कोई आपको मन में किसी तरह का डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में जरूर से रिप्लाई करूंगा। और अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो नीचे दिए गए रेड कलर बटन पर क्लिक करके मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी आप लोगों के लिए इसी तरह यूजफुल वीडियो बनाकर अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।
एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय एंड टेक केयर.